सो हो ये रहा है कि जो अरोवा में बेघर लोग हैं उनके लिए एक सेंटिनल ने कुछ बनाया है घर टाइप का, ताकि वो लोग रह पाए वहाँ शांति से। लेकिन हो ये रहा है कि वो लोग अपने घरों से गायब होने लगे हैं, बारी बारी करके हर एक बंदा वहाँ से गायब हो रहा है। आखिर प्लान क्या है, किन बेघर लोगों को उनके घर से उठा के आखिर ये सेंटिनल करना क्या चाहते हैं, वही पता करने हम यहाँ पे आए हुए हैं इस मिशन पे। और थैंक यू सो मच जो आपने मोहब्बत दिखाया है इसके लास्ट गेम प्ले पे, थैंक यू सो मच यार, आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट मिशन नाउ। तो मैं वही जा रहा हूँ पता करने के लिए सेंडल का प्लान क्या है, पता करना है, उनको जिंदा पकड़ना है और उसके बाद उनसे पता करना है कि उनका प्लान क्या है, उनका दिमाग में चल क्या रहा है। मुझे लगता है कि यहां से नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं जाना पहाड़ी के ऊपर है तो मैं बाइक से ही आगे बढ़ना चाहूंगा, बिकॉज एक मिनट रास्ते में थोड़ी रुकावटें हैं, जरा इनको दूर कर ले पहले। रिलैक्स बेबी, रिलैक्स रिलैक्स। और कोई है यहाँ पे? Come on. Stay focused. चलो ठीक है, चला जाए अब। वैसे पहाड़ी पे जाने के लिए और कोई गाड़ी सही नहीं है, बाइक ही ठीक है, तो बाइक से ही आगे बढ़ता हूँ। बाइक कहाँ गई? Alright, let's go then. बंदे और भी आगे हैं लेकिन उनसे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बिकॉज जिस रास्ते मुझे आगे बढ़ना है वो रास्ता मुझे क्लियर नजर आ रहा है। वैसे भी रास्ते में चलता कहाँ हूँ दिक्कत तो ये भी है ना एक। ओके, अब यहां से हीट शुरू हो चुकी है तो यहां पे बाइक खड़ी करके आगे बढ़ते हैं, बिकॉज बाइक फिसलेगी तो नहीं ना। चलो एक काम करते हैं, पहले आगे बढ़ने से पहले जरा माहौल की जानकारी ले लेनी चाहिए ना, ताकि सब कुछ ठीक रहे। सो मैं यहां लेटा हूं और यहां पे एक बंकर है जहां पे ऑब्वियसली बात है कुछ लोग तो होंगे ही। अच्छा एक चीज़ आपको दिखाऊंगा मैं वीडियो खत्म करने से पहले, याद रखना ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मिशंस में कौन से कर रहा हूँ और कौन से बाकी। एक मिनट दिखा देता हूँ ना, कन्फ्यूजन होगा जल्दी देख लो। अच्छा नहीं एक मिनट, जब तक ये बंद नहीं होगा दिखा नहीं पाऊंगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ओके ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे कहाँ चले गए, ये रहा, इनको मार दिया। इनके बाद कुछ मिशन आप यहाँ देखिए, ट्रेस्टोन, पीटर माइल्स, आप देख पा रहे हो ना कर्सर दिखाई नहीं दे रहा आपको क्योंकि बंद रहता है। ट्रेस्टोन, उसके बगल देखिए पीटर माइल्स, ये फ्लाई कैचर के बगल देखिए इल्जा हेसबर्ग और नीचे आयन ब्लैक, ये सारे बिल्कुल डार्क हुए पड़े हैं। ये हो गया, एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, आप एक चीज़ और देखना, टैक मैप कहाँ गया, वेट अ सेक। हाँ ये यहाँ देखना, ये पूरा एरिया अनलॉक है, हमने यहाँ घूमा है, मिशन कम्प्लीट किया, ठीक है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे जरा ऊपर आता हूँ, ये देख लो, ये पूरा का पूरा एरिया बंद पड़ा हुआ है, देख लो अभी ये मैप है, ये बंद है, पूरा पूरा बंद है अभी तक, यानी कि पक्का है कि मिशंस और भी हैं जो धीरे धीरे अनलॉक होने वाले हैं, बट जब तक ये मेन मिशन अनलॉक नहीं होते हैं तब तक हम ये जो सेंटिनल वाले मिशन है वो कंप्लीट करते हैं ताकि अरोवा को हम सेव कर सकें। ऑलराइट लेट्स गो देन। ऑलराइट हम आराम से आगे बढ़ते हैं। एक मिनट जरा पैंट पहन लूँ, आई मीन पैंट तो पहना हूँ, थोड़ा सा इक्विप कर लूँ। ओके ठीक है अब चलो। इस बार मैं कुछ छोड़ना नहीं चाह, कोई है कुछ छोड़ना नहीं चाहता इस बार मैं, कोई आइटम वाइटम, इसलिए
कूल 117 मेरे पास कौन सी है 117 ठीक है मेरे पास ज़्यादा बेटर आई मीन उससे बेटर ही है मेरे पास। अब फटाफट चेक करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कूल लेट्स गो 117 ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ वेपन्स बेकार नहीं होते बिकॉज आप उनको डिसमेंटल करते हो ना तो आपको पार्ट्स मिलते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप दूसरे आइटम को एक काम करते हैं पहले सेंडल से पहुंचे पहले उसके जो प्यादे हैं ना उसको निपटा देते हैं वरना क्योंकि सेंडल से पूछताछ करनी होगी उस दौरान कोई बीच में आके अपना ड्रामा करे वो दिक्कत कर देगा फिर क्योंकि एक हाथ से मैं सेंडल मेरे मैं पकड़ के रखूँगा एक हाथ से गन फिर थोड़ा इश्यू होता है आगे हैंडल करने में। चलो अंकल अब कौन है बढ़िया अंकल अब कुछ बताओगे आप 829 मीटर्स व्हाट द हेल मतलब इसको क्या अच्छा एक्सट्रैक्ट ओके 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 इसको लेके जाना है वहां तक ओ मैं लेकिन इसको लेके जाऊं कैसे मैं यहां पे तो कोई चॉपर ऊपर तो है नहीं यहां पे इसको बैठाऊं किस में एक मिनट टांग के देखते हैं इसको आस पास कोई गाड़ी वाड़ी हो तो मुझे इसको लेके वहां जाना है। बाइक यहाँ पे बाइक दो लोग के लिए नहीं होती है कि आप बाइक बैठा के लेके चले जाओ किसी को दैट्स नॉट पॉसिबल। या फिर एक काम मैं कर सकता हूँ सामने जो मुझे एक हेलीपैड दिख रहा है मैं वहाँ जाके चॉपर लेके आऊँ और इन भाई साहब को उठा के लेके जाऊँ ये कर सकता हूँ या तो इनको लाल टांग के ले जाऊँ मैं चॉपर तक ये कर सकता हूँ। बहुत सारे कन्फ्यूजन है सॉल्यूशन कुछ पता नहीं सामने कार का भी ऑप्शन आ रहा है आई डोंट नो कितनी दूरी पर है वो देखता हूँ थोड़ा सा आगे बढ़ के जो पूरा पूरा बेस लग रहा है चलते हैं आगे धीरे धीरे वैसे भाई साहब गिर ना जाए मेरे पास से वरना दिक्कत हो जाएगा मुंह पड़ी व्हाट द हेल हैपेंड टू यू मैं तो अपना मिशन पूरा कर लूंगा लेकिन आप कब करेंगे सब्सक्राइब करने का मिशन सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को दबाइए ऑल सेलेक्ट करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की चिट्ठी आपके घर तक पहुंच जाए। ऑलराइट लेट्स गो कम ऑन अच्छा सॉरी अब ट्राई करते हैं इस वाली गाड़ी में लेके जा पाए उनको तो किसी तरह से बट इस गाड़ी को पहले ऊपर लेके जाना होगा मुझे उसके बाद ही उनको मैं इस पे आई एम गोइंग बैक टू हिम डोंट वरी वही तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। अब कौन है बस रास्ते भी उन्होंने ऐसे बनाए हैं मैं गाड़ी लेके पहुंच तो जाऊंगा वहां से निकलने की गारंटी नहीं है लेकिन चलो सर आ गया मैं लुक्स लाइक कोई चॉपर था यहाँ पे बट खैर भाई नहीं 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 ठीक है अब चलते हैं सर को लेके आते हैं यहां से
Come on. शायद जो रहस्य छुपा हुआ है वो ये वहाँ पे है जहाँ मुझे लेके जा रहा है 800 मीटर दूर। बट मुश्किल एक और भी है, रास्ते तंग हैं, गलियाँ खतरनाक हैं, ऊपर से भाई साहब को उसमें डालना है और लेके जाना है, मतलब थोड़ा चैलेंजिंग होगा बट मज़ा आएगा। लेकिन लेट्स गो, बस इसमें कहीं गाड़ी में आराम से बैठ जाइए। चलो ये तो हो गया। मैंने बोला था ना यहाँ पे आना बड़ी बात नहीं, यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलना बड़ी बात होगी। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, एक मिनट, एक काम करते हैं। रास्ते देख लेते, समझ लेते, उसके बाद आगे बढ़ते। अगर मैं यहाँ से निकल लूँ तो नहीं, तो बर्फ़ टूटी हुई, यहाँ से जा नहीं पाएंगे हम। एक काम करते हैं, मैं काम में वहाँ गाड़ी सीधी लेके आता हूँ, यहाँ चढ़ाता हूँ इस पर लेके, फिर यहाँ से यहाँ निकलते हैं, उस रास्ते मेन हाईवे पे आते हुए फिर यहाँ से सीधा यहाँ आते हैं, उसके बाद घूम के वहाँ से निकल लेंगे, राइट। आइडिया सोचता तो मैं अच्छा ही हूँ, बट देखते क्या होता है उसके बाद। चलो डेंजरस एरिया, 160 प्लस मांग रहा है। वैसे मैं यहाँ फाइट कर रही नहीं है, मैं शांति से निकल जाना चाहता हूँ, बस कोई रोके ना मुझे बस। चलो बढ़िया, हमने वॉकर को मार के उसका प्लान तो फेल कर दिया है, लेकिन और वो अभी भी सुरक्षित नहीं है। जो वहाँ पे जो ड्रामा हो रखा है ड्रोन्स का, वो तो वॉकर के प्लान के साथ ख़त्म हो गया, लेकिन जो यहाँ पे जो सेंटिनल्स उसके बनाए हुए हैं वो तो अभी यहीं पे हैं, वो अपना अलग प्लानिंग कर रहे हैं, वहाँ से भी उनको ख़त्म करना होगा ताकि और वह पूरी तरह सेफ़ हो सके, यहाँ के लोग पूरी तरह सेफ़ हो सके, और उसी के लिए सारी मेहनत की जा रही है। हाँ, रास्ता जाएगा तो आगे आई थिंक जाना चाहिए। ओ वो 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 वो। ये गोली लगने का खतरा मुझे नहीं है, खतरा भाई साहब को है। एक मिनट, थोड़ा आइटम लेके आ जाऊँ यार, अब आइटम लूटना जरूरी है ना, थोड़ा लेवल्स वगैरह बढ़ता रहे तो मज़ा आता है। जूते लेवल क्या है, 117, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, 117 ठीक। चलिए सर, एक कार और आ रही है यार। ड्राइवर तो मर गया, गाड़ी चल कैसे रही है? नहीं मर गया। What is, अच्छा चॉपर है। आइए अंकल, दंड थोड़ी पेलना है यहाँ पे, क्या कर रहे हो चाचा? ऑलराइट,
कैप्चर्ड सक्सेसफुली, बेहतरीन। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट मिशन। नाउ बहुत ज्यादा वेट नहीं कर रहा मैं, फटाफट आगे आगे बढ़ना है भाई। 117 कूल। एक सौ इक्कीस बढ़िया। Smells good, baby. You want to say grace? एक्चुअली में क्या हुआ था ना वो दिखाया जा रहा है यहाँ पे। सेंटिनल ने किया क्या था? Boy. इन लोगों ने अपनी छोटी सी कॉलोनी बना रखी है, वहाँ साथ साथ रहते हैं रोवा से निकलने के बाद। और उसके बाद गुड इवनिंग। यू गेट टर्न्ड अराउंड समवेयर। Oh, we're exactly where we need to be. The whole family here? This here's an invitation-only dinner. You're gonna make this easy for me. This is my home! Look, you... Dad! Oh. Dad! Like I said, very easy. Those two. Deal with him. Leave him alone, Mom! Mom! उसको ले गए, इसको छू। Shoot him! छोड़ा नहीं था, भाग गया था वो। Take care of the others. I just ran. I mean, I left them and ran away. There's no shame in surviving. Don't forget that. I ran when they took my mother, Mads. That's what I won't forget. It's worse than I feared. They're trying to exterminate us. You need to get all the homesteaders back to Air One. The Harris's place is right next to where Kyle and Layla live with Emmett. They could be next. Not if I can help it. अभी आपने जो छोटा सा कटसीन देखा उसमें कैप्टन कोलमैन है मोहतरमा, जो लोग उनके घरों से उठा के लेके जा रही हैं। मकसद क्या है कुछ पता नहीं है। उसके एक सेंटिनल को हमने गिरफ्तार भी किया है, बट अभी वो उस हालत में नहीं है कि जवाब दे सके। बट अभी मेरा मिशन किसी को मारना नहीं बल्कि बचाना है। उस जिन लोगों को पकड़ के ले जा रही है उनको बचाना है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। सो चलते हैं और देखते हैं उसके बाद अगला मिशन। एक और ये भी होगा, आई नो, जैसा होता आया है कि मैडम कोलमैन को भी मारना है, पकड़ना होगा ताकि उनसे पता, एक मिनट थोड़ा आसपास ही उतरते हैं, उनसे पता कर सके कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रही हैं। मुझे कोई सेफ जगह चाहिए लैंड करने के लिए, ताकि जरूरत पड़े तो बाद में चॉपर लेके मैं यहाँ से निकल सकूँ। वैसे एक चॉपर यहाँ पे है भी तो, बट क्या पता वो फाइट में बचे ना बचे। ऑलराइट, लेट्स गो देन। ये था वो घर, जा कोई है यहाँ पे। जहां से घर उस बच्चे की मदर को और शायद भाई या किसी फादर तो मार दिया उन्होंने, उसे उठाया गया और इस घर को जला दिया गया है। वो बच गया है, लेकिन खैर देखते हैं यहाँ पे और क्या है, क्या माहौल है, क्या चल रहा है। जंको जिनको पकड़ा गया वो यहीं पे है, कहीं यहाँ से दूर नहीं गए हैं, ये यहीं कहीं पे कैद है। बट अगर मुझे उनको बचाना है तो ये पूरा एरिया खाली करना पड़ेगा इन बंदों से, साथ सबको मारना होगा, ए टू जेड कोई बचना नहीं चाहिए। सो स्टार्ट करें, बिकॉज आई एम ऑलवेज रेडी बेबी, लेट्स गो। से पहले कि और कुछ खतरा करे वो
कुछ है यहाँ पे, एक मिनट जरा मैं देख लूँ पहले। ऑलराइट, देखते हैं क्या मिलता है। यार जहां पे इनको बचाना है वहां भी हीट है और हीट यहां भी, तो पहले एक मिनट। एक मिनट और भी है, दो 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 और भी नहीं, ये बंदे नहीं है शायद ये। ऑलराइट, यू आर राइट, दे टुक देम, काइल, एमिट, द अदर्स वी वर विद, दे थ्रू देम इन द बैक ऑफ अ ट्रक एंड ड्रोव देम ऑफ। ऑलराइट कम ऑन, Let's get you to Air One. All right, इसको लेके जाना, but एक मिनट रुक जाओ, इसको रोक बोलना पड़ेगा रुकने के लिए। Stop, please stop. Done ना? कोई हीट तो नहीं, but एक मिनट में चक्कर मार लेता, because थोड़ा bullets वगैरह मिल जाएं। I don't know कितनी fight बाकी है, क्योंकि इसलिए चलो बढ़िया। अच्छी बात है कि चॉपर पास में ही, मैडम को लेके जाने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सीधे लेके निकल जाएंगे। इनको लग रहा है कि इनकी बेटी को और इनके बेटे को, दोनों को, लेकिन इनका बेटा सेफ है, इनको पता नहीं है शायद, कोई बात नहीं। वाओ 120, ओह माय गॉड, लुक एट दैट। मैडम एक मिनट आता हूँ, जरा मैं लूटपाट कर लूँ, बिकॉज मैं बहुत बड़ा लालची हूँ गन्स के मामले में। स्कल के, चलो ठीक है, आ जाओ मैडम, अब चलते हैं। चॉपर पास में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट इनको छोड़ के आते हैं और फिर चलते हैं नेक्स्ट मिशन की ओर। जैसा मैडम ने बताया, कम ऑन, कि कुछ लोगों को ट्रक में भर के लेके जाया गया यहाँ से, तो आई थिंक मुझे उस ट्रक का पीछा करना होगा और उसको रोक के उस बाकी लोगों को बचाना होगा। ओके चलो बढ़िया, आ तो रही है। To be here with you while my boys are God knows where. Yeah, yeah, my family's back stateside. They don't even know if I'm alive. Life is harsh, huh? अंकल बात करना है, चढ़ना नहीं है। Layla, good to see you got out in one piece. Where are the boys? Taken. They were taken. We don't know where, but we'll find out. Listen, Mads, they sorted through the people, and they had a list. Took some, left others. Why would they do that? All I know is it's goddamn ominous, to say the least. आपने एक चीज नोटिस किया, जब वो लोग किडनैप कर रहे थे वहां से लोगों को, तो उन्होंने होता क्या है अक्सर कि अगर आपको कुछ बहुत हैवी काम कराना है तो मर्दों को उठाते हैं और औरतों को या तो मार देते हैं या फिर, समझ रहे हो, तो लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है। एक बंदे को मार दिया, उसके फादर को, उसको भगा दिया, लेडी को उठा लिया बिकॉज उसको डायबिटीज था, मतलब कुछ अजीब सा प्लान कर रहे हैं, बट पता नहीं क्या। एक कमांडर उनकी है जो यहाँ पे कुछ अपना वही कांड करने वाली है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि उनको मैं रंगे हाथों पकड़ सकूँ और उसके बाद कुछ जानकारी मिल सके, लेकिन शायद उनकी जानकारी यहाँ से
यहाँ से मैडम मिले ना मिले, उनके बारे में कुछ जानकारी जरूर मिलेगी किसी कमांडर के बारे में, क्या आखिर वो है कहाँ पे। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मैं चॉपर एक सेफ जगह रखना चाहता हूँ, बिकॉज यहाँ थोड़ा ट्रेवल करना पड़ रहा है काफ़ी यहाँ वहाँ। तो चलो ओके, हीट है, हीट है, मतलब कि यहाँ बंदे भी हैं और अच्छे खासे, अभी तो आगे जाने के बाद मालूम चलेगा, बट फिर भी एक बार माहौल का जायजा ले लेते हैं। कुछ सिविलियंस भी है यहाँ पे, गार्ड्स कुछ ज्यादा ही है यहाँ पे, जितने होने चाहिए उससे कुछ ज्यादा है। अरे यार ये तो ठीक है, इट्स कूल, मजा आएगा, लेट्स गो नाउ। अब ये पंगा ये है अगर किसी को मारता हूँ तो एक जो ड्रोन है वो देख के इन्फॉर्म कर देगा कि डेड बॉडी फाउंड एंड एवरीथिंग, बट फिर भी मुझे स्नाइपर्स को मारना होगा वरना ये चलो ये तो हो गया, बट ज़्यादा देर तक ये मामला शांत रहेगा नहीं, तुरंत खबर लगने वाली है इनको, इतना पता है मुझे। देखो लग गई उन्होंने बोला था डेड बॉडी फाउंड। ये देखो ये भी तैयार हो गया, टरेट भी तैयार हो गया। Hey, be alert. Enemy troops might be around. ड्रोन खोज रहा है मुझे, कोई आएगा अभी, अभी चिल्लाते रहोगे वहीं से बैठे बैठे। बढ़िया, अच्छा कवर दे दियो, थैंक यू। रिलैक्स, ओके, मूव 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 बड़ी। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। ओ स्नाइपर, अब थोड़ा सा लूटपाट कर लूं मैं अगर आपकी परमिशन हो तो, थैंक यू। मैं जानता हूं ना नहीं बोलोगे। चलो पिछले बेस में जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके अकॉर्डिंग जो भी बंदा है जो इनके बारे में जानता है वो मुझे यहाँ मिलेगा, यानी वहाँ पे रिपोर्ट थी उस बंदे की जो यहाँ मुलाकात करनी है, उस बंदे के पास जानकारी होगी कि मैडम या फिर सर जो भी बोल लीजिए सेंटिनल जो भी है, एक मिनट क्या लिखा है यहाँ पे, कमांडर, सेंट्रल कमांडर, वो यहाँ मिलने वाले हैं। तो आइए फिर उन भाई, यहाँ पे सेंट्रल कमांडर से मुलाकात नहीं होगी, यहाँ मुझे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस इंसान से मुलाकात होगी जिसके पास जानकारी है मिस्टर कमांडर की। बट हमेशा की तरह यहाँ जाने से पहले थोड़ा सा वो आराम से जानकारी ले लेते हैं माहौल की। तो माहौल के हिसाब से यहाँ मुझे ज्यादा हीट थोड़ी सी गर्मा गर्मी है, इतना तो पचा सकते हैं क्यों। अब ये क्या मतलब बढ़ाने लगे, मैं ऐसा बोल दिया तो हद है यार। अच्छा ठीक है, इट्स कूल, नो प्रॉब्लम, लेट्स गो देन। ट्राई करते हैं यहाँ से अगर कोई
इस एक स्नाइपर है तो बट काफ़ी दूर कहीं मेरी बुलेट ड्रॉप तक बुलेट ड्रॉप की रेंज में आई डोंट नो प्लस ट्राई के उसको डन। अच्छी बात है यहाँ पे कोई वो नहीं है ड्रोन जो इनकी डेड बॉडी को देख के अब आगे बढ़ते हैं। वैसे ज़्यादा लेट करने का कोई मतलब नहीं है फटाफट आगे बढ़ते हैं। एक बात मैं 5 बार दोहरा रहा हूँ ध्यान सुन लेना प्लीज़ बार बार कमेंट में मत पूछना। ये मोबाइल गेम नहीं है पीसी का गेम है मोबाइल में नहीं चलेगा। ये मोबाइल का गेम नहीं है पीसी गेम है मोबाइल में नहीं चल सकता। ये एक कंप्यूटर बेस्ड गेम है जो सिर्फ कंप्यूटर में चलता है मोबाइल नहीं चलेगा। ये मोबाइल गेम नहीं है मोबाइल में नहीं चलेगा। और चौथी और पाँचवीं बात जो भी है फ्री नहीं है। हमेशा फ्री के चक्कर में पड़े रहोगे तो लाइफ फ्री ही हो जाएगी तो फ्री नहीं है क्लियरली बता रहा हूँ फ्री नहीं है ठीक है। सो अब आई थिंक आप लोग नहीं पूछेंगे। और हाँ एक तो इन महानुभाव बुद्धिहारी लोग कमेंट होते हैं कि भैया इस गेम का नाम क्या है। अच्छा टाइटल में और थंबनेल पे जो लिखा होता है वो किसका नाम है मेरे यहाँ अपना नाम है वो गेम का नाम ही लिखता हूँ यारा कम से कम ऐसे सवाल तो मत पूछो जिसको खैर छोड़ो आगे बढ़ता हूँ मैं गेम पे ध्यान देते हैं वरना पंगा पैच में होने का खतरा है। तो ठीक है इस गेम का नाम घोस्ट रिकॉर्ड ब्रेक पॉइंट है और ये मोबाइल में नहीं चलता पीसी गेम है राइट। लेट्स डू दिस नाउ शिट थोड़ी सावधानी मेरी हट चुकी है एक मिनट जरा पानी वानी पी लूं। चलो चलते हैं। दरअसल उस कॉल वाले को मारना बहुत जरूरी था वरना वो पंगा कर देता। रिलैक्स हो बेबी रिलैक्स हो। ऑल राइट फास्ट पेस खेलना तो फास्ट ही सही। चलो दिखा दे तुम्हें कैसे खेलते हैं। कौन है हाँ मुझे मन कर रहा थोड़ा फास्ट खेलते हैं सॉलिड मिशन क्या कर क्या बोलते हो। चलो हो जाए आज तो हो ही जाए मतलब आज बचा ही नहीं है क्या। देयर मस्ट बी समवन ना कहां दिखा रहा है ये 169 मीटर आई थिंक बर्फ के उस तरफ होगा मे बी। चलो अब चलते हैं फटाफट सवालात करते हैं जानकारी इकट्ठी करते हैं और यहां से निकलते हैं। Don't show him an ounce of mercy. Hostile slipped away. Let's go find him. आइए आइए Contact. Roger. Give him hell. कोई तो है यहाँ पे मुझे ऐसा आभास हो रहा था और यकीन हो गया। अब तो कूल ना नाउ लेट्स गो फॉर द डिटेल्स। यहाँ पे या तो कोई कंप्यूटर होना चाहिए या फिर कोई इंसान होना चाहिए जिसे मुझे पता हो उसके बारे में शायद आगे कुछ है। ये जमीन के नीचे दिखा रहा है। आई मीन रिलैक्स मैम नॉट गोना हर्ट यू।
यहाँ पे पक्का कोई अंडरग्राउंड बेस. ओ माय गॉड, मैं ऑलरेडी फर्स्ट फ्लोर पे था. सो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हाँ यहाँ पे कोई है. कोई है या फिर नहीं? कोई है, कोई है. हेलो हेलो. I'm not gonna hurt you. I need information. Was hoping you can help. That's all I remember. Appreciate your help. चलो, मैडम का जो ठिकाना है वो तो मिल चुका है. चलते हैं अब, निपटते हैं उनसे. 2.4 किलोमीटर, बट थोड़ा लूटपाट कर लो फिर आगे बढ़ूंगा. वो आराम से. चलो भाई, बड़े लंबे सफ़र के बाद मैं पहुंच तो गया हूं, लेकिन महा संग्राम होने की यहाँ पूरी उम्मीद दिख रही है मुझे. इसलिए अब जो भी है सेंट्रल कमांडर यहीं पे है, लेकिन ये एक चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है कि उनको मारना है यहाँ पे या फिर कैप्चर करना है. तो मैं अपने हिसाब से कैप्चर करके ले चलूँगा कि कैप्चर ही करना, बिकॉज कितने हैं यहाँ पे. मार दिया तो कैप्चर नहीं कर पाऊँगा, बट अगर कैप्चर कर लिया तो मार जरूर सकता हूँ. इसलिए मैं अपने हिसाब से यही मांग चलूँगा कि उनको यहाँ पे कैप्चर ही करना है. ऑलराइट, लेट्स गो बड़े. काम करते हैं ना, इसकी डेड बॉडी. ओ ओ ओ ओ, कोई मूव कर रहा है. डायगोरा बड़ा फेमस है यार, जहां देखो उसकी फोटो दिख जाती है. ओ हेलो, एलिमिनेट करना है. ओके आंटी, शांत रहे ना, मैं मार रहा हूँ बाकी यहाँ लोगों को, फिर आता हूँ. ठीक है, थोड़ा माहौल गर्म होने वाला है. को मारना बहुत जरूरी, वरना रिइंफोर्समेंट बुला लेगा ये. छुप मत पगला, ओए मारूंगा नहीं, वो मारूंगा नहीं पागल. अरे मारूंगा नहीं, कसम से मजाक नहीं कर रहा. सॉरी, मैं झूठ बोल रहा था.
I am really sorry, sakti man. Kuch mila? Apna haath kaat rahe ho? Gala kaat rahe ho? ये ड्रोन की आवाज बहुत गंदी लगती है, एक बार इसको मार खत्म करता वरना ये गिर गिर। अब ठीक है। वो इतने सारे एनिमीज, मजा आएगा भाई यहाँ पे तो मजा आएगा। चलो Show yourself, anyone. थोड़ा खुद को हील करना बहुत जरूरी है वरना दिक्कत हो सकती है। बेटा मुझसे बचाया कौन तुम लोगों को, मैं ये देखना चाहता हूँ। पहले तुम लोगों को निपटा दूँ, फिर पहले फुटकर लोगों को मार लेता हूँ, बाकी फिर स्नाइपर टक कर लूँगा। वो 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 रेड जोन नहीं, झूले लाल कौन बचाएगा मुझसे तुमको। ओ सॉरी ये तो मुझे लगा कोई बंदा है, इसकी हल्की सी मुंडी दिख रही है मुझे और जहां मुझे मुंडी दिख जाती है ना वहां मैं ले लेता हूं जान। आराम से अंकल, आराम से, आराम से, रिलैक्स हो बेबी, रिलैक्स हो। जान बहुत है तोरे में, गोली पड़ी है गांड में फिर भी लड़ाई करनी है, है? अरे बाबा कौन है ये बार बार गोला, अच्छा छुपा है उधर ना, तो इधर भी है, कौनो बात नहीं निपट लेंगे, तनिक चोरी तो कर ले। बहुत गंदी आदत है मेरे अंदर, जब तक मतलब मैं मुझे अगर कुछ दिख गया ना बढ़िया आइटम तो मैं दूसरों को भूल जाता हूँ और आइटम मुझे पड़ जाता हूँ। शिट मैन स्ट्राइक रख गया चाबी, अरे तो दिख नहीं रहा तो से। All right. और उसमें अरे बाबा रे बहुत बहुत देर बाद लेट करा दिए तुम तो यार, 120 बढ़िया। सर थोड़ा सबर कर लो बस, देते हैं आपको हम दवाई। बस थोड़ी सी कोशिश कर लिया रहा, बस 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 जरा सी हिम्मत कर ले, बस 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 बस। अब ठीक है, अब आप खुद को हील कर सकते हो, पूरी परमिशन है। सो गाइज इसी के साथ ये मिशन यहीं पे होता है समाप्त, और 122 थैंक यू सो मच, इतनी मेहरबानी दिखाने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। लेवल 119 बंदूक कोई मिला बढ़िया सा, 126 लेकिन यार इसमें वो नहीं होगा, साइलेंसर नहीं होता इसमें, साइलेंसर की दिक्कत है। साइलेंसर है इसमें कि नहीं है? नहीं यार, दिक्कत यही पड़ जाती है ना पंगा, थोड़ी हैवी गन है ना इसलिए साइलेंसर नहीं देते ये लोग इसमें। कोई बात नहीं, गुड बढ़िया। सो थैंक यू सो मच गाइस, कैसा लगा आपको मिशन बताना जरूर। और जैसा कि हमने यहाँ पे आज मारा है सेंटिनल कमांडर को, तो ये कमांडर ही होगा आज का कोड जो आपको यूज करना है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, आई नो आप करने वाले हो, यू गाइस आर सो ऑसम, आई नो। सो मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में, कुछ
नया मिशन के साथ, कुछ नए धमाकेदार गोल के साथ जहाँ हम जाएंगे अपने कंप्लीट करने के लिए। सो फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ, बिकॉज यहाँ पे अगर नहीं निकला ना तो पंगा पैज होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो ये पबजी वाली बग्गी लेके मैं यहाँ से होता हूँ रफू चक्कर। सॉरी, चलिए फिर अपना ख्याल रखो, खाओ पियो ऐश करो। और आज दिवाली है, मैं रात के इस वक्त 8 बज रहे हैं, मैं पटाखे नहीं फोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर तोड़ रहा हूँ बैठ के। सो आई डोंट नो ये वीडियो कब आने वाली है, बट हैप्पी दिवाली टू यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।